नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है और स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ही रामचरितमानस पर विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है और इस दौरान ही ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील में विरोध प्रदर्शन किया है। SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है अब और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर विवादित बयान से ब्राह्मण समाज में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है, जिसको लेकर पोस्टर के साथ ही विरोध करते हुए ब्राह्मण समाज नजर भी आ रहा है। जो है ये जो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद द्वारा जो एक अभद्र टिप्पणी की गई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी को संबोधित करते हुए कि इस स्वामी प्रसाद की सदस्यता विधान परिषद की तत्काल रद्द की जाए, जिससे कि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, एक संदेश जा सके। यदि कोई 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान करेगा तो उसके लिए देश में, समाज में कोई स्थान नहीं होगा। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य को 80% लोगों ने वोट दिया और वोट दे करके उसको कई बार मंत्री विधायक बनाया, उसको MLC बनाया, उन हिंदुओं का अपमान कर रहा है वो, उनकी भावनाओं से खेलने का काम वो कर रहा है। भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, जिन प्रभु राम के आचरण को हम लोग ग्रहण करते हैं, उस भगवान राम के आचरण पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, उनके जीवन पर लिखी गई रामायण पर वो एक चले का आक्षेप लगा रहा है, जो कि हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच संगठन सर्व समाज के साथ आज यहाँ मौजूद है और इस बात की घोषणा करता है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग इसके लिए आगे भी बढ़ेंगे और भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। मुरादाबाद से खबर है जहां पर मुरादाबाद से सपा के सांसद डॉक्टर ST हसन ने असम में चल रही बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा है कि असम के मुख्यमंत्री जरूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि BJP के नेताओं में इस बात की होड़ हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए। मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को पसंद नहीं करेंगे। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर ST हसन असम में ही बाल विवाह मामले में हो रही कार्यवाही और इसके साथ ही गिरफ्तारियों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने ये भी कह दिया कि साफ तौर पर कि जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑडियंस से पहले उनको ही पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने शादी कर चुके हैं इस ऑर्डिनेंस से पहले उनको पकड़ने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज़्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि BJP के नेताओं में इस बात की हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज़्यादा रुलाए, मगर मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी इस बात को पसंद नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की जिम्मेदारी लगातार की जाए। अब खबर काशगंज से है जहां पर संविधान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट वायरल हो रहा है। वही पोस्ट वायरल होने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है और वहीं भीम आर्मी के दर्जनों पदाधिकारियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पूरा मामला काशगंज जनपद के ही सहावर थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां पर संविधान के खिलाफ अभद्र को लेकर बताया जा रहा है कि आक्रोश दिखा है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभद्र पोस्ट वायरल हुआ जिसके बाद यह आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा मामला ये है, मोहित मिश्रा पुत्र हरी सिंह निवासी टोडलपुर द्वारा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर संविधान जलाने के लिए लोगों को उकसाया गया है, जिसके संबंध में हमने थाना अध्यक्ष जी को एप्लीकेशन दी है, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही नागरिकता समाप्त कर देशद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की है।
कलेक्टर के अभिवक्ताओं ने ही सदर तहसील के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और इस दौरान ही कलेक्टर परिसर में दर्जनों अधिवक्ताओं ने सदर तहसीलदार के ही खिलाफ कलेक्टर परिसर से नारेबाजी करते हुए पूरे तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और सदर तहसीलदार के विरोध में नारे भी लगाए गए हैं। अधिवक्ता महासुख चौधरी और इसके साथ ही कलेक्टर जिला महामंत्री ने बताया है कि सदर तहसीलदार जब से तैनात हुए हैं तब से जरूरी कागजात है, फाइलें आय जाति निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं और इसी को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिवक्ता ने बताया है कि 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है मगर कार्य प्रणाली में ही सुधार ना हुआ तो आगे भी धरना प्रदर्शन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया जाएगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय झांसी में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया है और उन्होंने ये भी बता दिया आपको कि कन्या को जन्म देने वाली माताओं और उनके परिजनों को साथ मिलकर ही केक काटा गया है और कन्याओं को जन्म होने पर ही माताओं को बधाई भी दी गई है। कन्याओं की माताओं और इसके साथ ही उनके परिजन को मिठाई बेबी किट और इसके साथ ही प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त ही उन्होंने उपरोक्त परिवारों को कन्या सुगम मल्लम योजना का लाभ प्रदान किए जाने, नवजात बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने की दशा में ही उनको केयर यूनिट में भर्ती कर देखभाल किए जाने और सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर उन्हें जन्य शिशु सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किए जाने आदि अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। महिला अस्पताल के परिसर में जितने भी महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं बच्चों के जन्म के लिए, तो आज उन बच्चियों का जन्मदिन मनाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटी की सुरक्षा के लिए, समाज में बेटी के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए और आगे बेटी को शिक्षा हुआ और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जाता है। और इस अवसर पर जितने भी 15 बच्चियां का जन्म हुआ है पिछले 3 दिन में, इसका बर्थडे मनाया गया, मैंने स्वयं मनाया और उन्हें शुभकामनाएँ दी। विशेषकर उनकी जो दादियां थी उन्हें हमने बताया कि बहू को डांटना नहीं है, बहू को प्रोत्साहित करना है, क्यों बेटियां आपकी धरोहर है। तो मैं सबको आज फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ और बेटियों के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण के लिए। अब खबर आगरा से है जहां करोड़ों के बकायेदार बिल्डर जितेंद्र मंगला ने ही मंगलम शिला और मंगलम आधार के 100 से ज़्यादा फ्लैट और एक अधबनी बिल्डिंग का कुर्क होगी। और दरअसल आपको बता दें कि आगरा के ही प्रेरणा कंस्ट्रक्शन के ही संचालक जितेंद्र मंगला उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के 17 करोड़ के बकायेदार हैं और वहीं जितेंद्र मंगला के खिलाफ 17 लोगों ने शिकायत की थी और वहीं इस मामले में लोगों के पैसे बिल्डर से वसूलने के लिए आरसी जारी की गई थी। ये लगभग 90 फ्लैट हैं मंगलम आधार में, इनको आज कुर्क कर लिया गया है और इन पर 16,86,23,127 रुपए प्लस ब्याज बकाया है। 17 मांग पत्र हैं जितेंद्र मंगला जी के, उनको जमा नहीं कराया गया। उस आधार पर इनको आज प्रशासन के द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कुर्क कर लिया गया है। पूर्व में भी कार्रवाइयां हुई हैं परंतु इनको गिरफ्तार भी किया गया था परंतु उसके बावजूद पैसा जमा नहीं कराया गया है। झांसी के लुहार गांव में मकानों में आग लगने का मामला सामने आया है जिसमें जलने से एक गाय की मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि घर में भूसा और इसके साथ ही ईंधन रखा हुआ था। सूचना देने के बाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड भी मौजूद रही और जिसके बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया है।
रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और कार की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे का है, जहां बाइक सवार बुजुर्ग रतन सिंह, उम्र जिसकी बताई जा रही है लगभग 65 वर्ष है, और वो फिरोज गांधी कॉलोनी निवासी है और स्थानीय लोगों की मदद से ही घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ बुजुर्ग रतन सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है और कार की टक्कर मारने के बाद कार सवार कार छोड़कर मौके से भागने में कामयाब रहा है। उन्नाव में संदिग्ध अवस्था में ही रोशन दान सरिया का शव लटकता हुआ मिला है। बता दें आपको कि विवाहिता का शव कमरे के अंदर फंदे से लटकता देख पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ये पूरा मामला बांगरमऊ नगर के कस्बा मोहल्ला गणेशगंज का बताया जा रहा है। यूपी के रायबरेली के उच्चाहार कोतवाली क्षेत्र के करसैनी मजरे अरखा गांव में एक बुजुर्ग दुकानदार का गांव के ही एक युवक को गुटखा देने से मना करना महंगा पड़ गया और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बुजुर्ग दुकानदार जब रात को अपने घर के बरामदे में ही सो रहा था तो युवक ने मौका देखकर उसके सिर पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। सुबह जब घर वाले जागे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। आनंद में ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली में दो दिनों पहले हुई गुरुवक्षमगंज थाना क्षेत्र के ही डकिया चौराहे पर मारपीट मामले में इलाज के दौरान एक युवक की मौत होने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर गेट पर ही धरने पर बैठ गए और कार्यालय का घेराव देख पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में ही अपर पुलिस अधीक्षक खुद ग्रामीणों के पास पहुंचे और मामले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर ग्रामीणों और परिजनों को शांत कराया। फिलहाल मामले का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। कल गुरुवक्षमगंज थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें अभय सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके संदर्भ में थाना गुरुवक्षमगंज में 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और थानाध्यक्ष द्वारा जानकारी करने से पता चला कि ये देसिक विवाद मामा और भांजे के बीच में कुछ आपसी लेन देन का था, उसी संबंध में ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों को कुछ आक्रोश था, वो इसी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे। उनसे बातचीत कर ली गई है और उनको बताया गया कि शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें से 4 नामजद में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शीघ्र की गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। गिरफ्तारी के लेकर का नाम ये मामला था, दो दिन पहले अभय हरचंदपुर के हैं, सुबाई बाग के, उनकी हत्या कर दी गई है, तो जिसमें नामजद FIR कराई गई है, तो उनके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर हम लोग गिरफ्तारी को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं SP ऑफिस में। तो क्या मांग है? हम ये मांग है कि वो अपराधियों को का नाम है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले। नामजद राज कुमार सिंह है, दीपक सिंह है, कमलाकांत सिंह है, शशांक सिंह है। कहाँ रहने वाले हैं लोग? ये सब 3 तो हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हैं, 1 गुरुवक्षमगंज थाना क्षेत्र के। घटना क्या, आप लोग क्या अनुमान लगा रहे हैं? घटना क्या? बौद्ध धर्म से जुड़े संगठनों ने नेपाल के लुम्बिनी में होने वाले रामकथा प्रवचन के विरोध में प्रदर्शन किया है और रुपेंद्र देही जिले के ही भेरहवा में सड़क पर उतरकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने मंगलवार से होने वाले रामकथा के विरोध प्रदर्शन कर रोकने की मांग की थी और इस विरोध के बाद कई भेरहवा में ही सड़क पर उतरकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने मंगलवार से होने वाले रामकथा के विरोध प्रदर्शन कर रोकने की मांग की थी और विरोध के बाद से ही बता दें कि कई जगह पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर महाराजगंज में ही यह खबर सामने आई है, रामकथा प्रवचन का विरोध किया जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।